नमस्कार, ओम शांति। पाथ ऑफ सक्सेस में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सफलता की कहानी, मतलब मेरे जीवन की सफलता की कहानी। आज फिर हम अपने इस कार्यक्रम में आपके पास लेकर आए हैं, आपके साथ लेकर आए हैं, आपके जीवन को बढ़ाने के लिए एक नया आदर्श लेकर आए हैं, बलदेव सिंह खेरा जी, जो फिलौर पंजाब के 2 बार MLA की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। और मुझे पूरी इच्छा है और मेरी पूरी शुभकामनाएं भी है कि वो अपनी इस उपाधि को आगे भी सफलता की ओर लेके जाएं, और शुभकामनाएं हैं कि अपनी सफलता को आगे और सफल बनाए, ताकि हमारा जीवन भी उनके द्वारा सफल बना रहे और आजकल की जो जनरेशन है, जो यूथ है, उनसे कुछ सीखने को मिले। आइए स्वागत करते हैं बलदेव सिंह खेरा जी का हमारे इस कार्यक्रम में। मैं जी आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जैसे कि मैंने कहा कि आप 2 बार फिलौर पंजाब के MLA के रूप में चुने गए थे और आपने सफलता भी प्राप्त की, तो मैं आज आपसे 3 चीजों के बारे में बात करना चाहूंगी। एक तो खेल, दूसरा किसान और तीसरा एजुकेशन। आप जैसे बड़े लोग, खेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे और किसान के बारे में। सबसे पहले आती हूँ मैं किसान की। जैसे कि देखा जाए आजकल किसान कम की ओर जा रहा है, मतलब उपजाऊ कम हो रही है, महंगाई ज्यादा हो रही है, तो सरकार को दोष दिया जाता है कि सरकार हमारी महंगाई बढ़ा रही है। तो आपका क्या कहना चाहेगा, कहना चाहेंगे आप किसान के बारे में कि जैसे पंजाब में भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं उपजाऊ को उपयोग कर लेते हैं और जमीनों को बहुत ऐसे छोड़ देते हैं, उसमें घास बीज न उपजाऊ करने के बजाय घास उपजाई जाती है। देखिए, ये जो अपने जो टॉपिक जिस पे आप अभी डिस्कस कर रहे हो, बातचीत कर रहे हैं, जो किसानी है, मैं मानता हूँ कि जैसे हमारे गुरु साहबान ने भी जो है ये जो खेती का बिजनेस, खेती का जो काम है, उसको बड़ी जो है वो अहमियत दी है। उसमें मैं मानता हूँ कि इसमें हमें बहुत ही हमारी जिंदगी में जैसे 2 चीजें हैं, एक तो जो हम लोग अपनी कृत कमाई के साथ अपना घर परिवार चला सकते हैं, दूसरे नंबर पे वो उगाई हुई जो फसल है उसको हम लोग जो भी है आगे, जो जब वो फसल पक जाती है वो आगे मार्केट में चले जाती है, तो उससे हमें जो बेनिफिट भी होता है। बट आज की डेट में जो है बहुत से ऐसे, जैसे कह लीजिए केमिकल्स हैं या कुछ ऐसे मेडिसिन हैं, जो जैसे वो उनको फसलों में डालने के कारण जो है वो जैसे हमारी जो धरती है वो भी पोल्यूटेड हो रही है, और वो जो केमिकल्स से बनाई हुई फसल्स या जो कोई फ्रूट्स अगर वो खाते हैं, वो हमें भी जो वो हमारी सेहत के लिए भी जो खराब है। मैं समझता हूँ कि आज की डेट में हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं या जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, इन सभी को जो है किसानों के साथ मिल करके ऐसी जो फसल, ऐसे बीज, ऐसा तैयार करना चाहिए जिससे कि हमारी जो धरती है ये भी पोल्यूटेड ना हो, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है या जो हम लोग खाते हैं या हम लोग आगे बाकी जो है मार्केट में उसको देते हैं, तो उससे भी किसी चीज का नुकसान ना हो। और वो इस किसानी को लाहेबंद बनाने के लिए और किसान को भी अपलिफ्ट करने के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट और साथ में जो किसान है उन दोनों को मिलकर जो काम करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले टाइम में जो है अगर ऐसे चलता रहा, किसान की डिमांड कुछ और है, गवर्नमेंट कुछ और सोच रही है, जो कहीं ना कहीं हम लोग नुकसान की तरफ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसका बहुत ही ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से मिल बैठकर कोई ऐसा सलूशन ढूंढना चाहिए जिससे हमारी जो है मेने की हमारी जो धरती और जो हम उसमें से जो फसल उगाएंगे वो दोनों ही हमें एक जो है वो एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे, चाहे वो वातावरण के अकॉर्डिंग लगा लीजिए, चाहे वो हमारी जिंदगी के अकॉर्डिंग लगा लीजिए, काम इनमें दोनों को मिल बैठ के करना पड़ेगा, जिसकी आज कमी है
जो दूर होनी चाहिए। लेकिन जैसे बोलते हैं कि आज ये सब्जी का भाव बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो सरकार को दोषी दिया जाता है। जहाँ तक मैं समझूं, इसमें सरकार दोषी नहीं है, ऐसा बोला जाएगा, या फिर किसान दोषी? देखिए, कोई भी, जैसे कोई घर चलाना हो, कोई सिटी चलानी हो, कोई स्टेट चलानी हो, या कोई देश चलाना हो, तो उसके लिए जैसे है वो पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि अगर किसान को मूल्य कम भी मिले, बेशक उसको कम मिले, बट वो जो है, जो उसकी लागत है, जो लागत है उसकी, उससे थोड़ा उनको मुनाफा होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो पे वही चीज, अगर किसान से हम लोग वो जो कम दाम में लेते हैं, मार्केट में जो है वो हम लोग ज्यादा दाम में बेचते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो उसका किसान को लाभ हो, और पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई भी जो मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन है, वो जितने भी पैसे कमाता है महीने में, वो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि उसके घर का खर्च, उसके बच्चों की फीसेस, और उसकी जो इलेक्ट्रिक का, उसका जो टेलीफोन का, उसके जो एक्सपेंसेस हैं, वो सारे आराम से उसमें से वो मैनेज कर पाए। वो ऐसा ना हो कि वो कमाता हो 15,000 पर मंथ, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही 20,000 आ जाए। वो कमाता हो 15,000, उसका जो घर का खर्चा ही जो है वो 16,000 हो, ऐसा नहीं। ये चीजें जो है, ये सरकार ने तय करना है, ये पॉलिसी सरकार ने बनानी है, ये चीज है। नहीं, हम लोग जो थे लास्ट टाइम विरोधी दिन में आते थे हम लोग, तो हम तो जो भी हमारी आवाज थी तो हम उठाते रहे हैं, बट ये चीज है जी, इसमें बहुत जो है कह लीजिए डीपली इस पे बैठ के जो है विचार करना पड़ेगा, और इसको हर एक, क्योंकि देखिए कुछ कंट्रीज हैं, जैसे मैं भी गया हूं, तो वहां पर ये चीज है कि अगर कोई बंदा मंथली 10,000 रुपीज लेता है, तो उसमें से उसका ये होता है कि उसके घर का, मान लीजिए जो 2,000 रुपए उसका निकल गया एक्सपेंसेस, उसका किचन का निकल गया, उसके बच्चों की फीस निकल गई, उसकी कार की कोई ईएमआई निकल गई, या उसने कोई घर जो है वो रेंट पे ले रखा है, वो निकल के भी उसको 1-2,000 जो है वो सेव होता है। बट वो चीज है कि वो पॉलिसी किसने बनाई? उस गवर्नमेंट ने बनाई। वो जो जहां पर है उस चीज की कमी है, उस पे बहुत हमें, जो मैंने पहले बताया, वो डीपली थोड़ा उस पे वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज और आती है बैलेंस बनाने की, यहाँ पे इनकम टैक्स की बात आ जाती है कि किसी ने थोड़ा सा अपना बिजनेस खोल दिया, चलो वो कहीं ऐसी जगह रजिस्टर्ड हो गया, तो उस बेचारे को भी इनकम टैक्स का भरना पड़ता है। जब उसके पास है ही नहीं, तो वो क्या भरेगा? वही बात आ गई ना पॉलिसीज की, वही आ गई ना, ये जो पॉलिसीज है वो गवर्नमेंट ने बनानी है। पॉलिसीज में जैसे स्लैब सिस्टम हो, ठीक है ना, स्लैब सिस्टम हो कि बिजनेस के अकॉर्डिंग जो बंदा है, जो जितना उसका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स जो है वो जाए। अब जैसे उसको इनकम है नहीं, उसको टैक्स देना पड़े, तो फिर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। और वही बात है कि ये सारी चीजें जो है, ये पॉलिसीज कौन क्रिएट करता है? गवर्नमेंट्स। ये मेन वही बात आती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हो जो चाहे कोई गरीब है, या कोई मिडिल क्लास है, या कोई अपर क्लास है, वो सभी को सूट करती है, तो ही सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज नहीं तो आने वाले टाइम में, जैसे जो आज का माहौल चल रहा है उसमें, नहीं तो आने वाले टाइम में हम बहुत पीछे चले जाएंगे। लेकिन आजकल और चीज एक देखने में आती है कि युवाओं को और चीजों से हटा के एक खेल के ऊपर भी लेके आते हैं। कई लोगों से ऐसे सुनने में आया कि हम उनको खेल के ऊपर इसलिए लेके आ रहे हैं कि वो नशे से हट जाए। तो क्या नशे से हटना खेल ही जरूरी है या एजुकेशन भी? देखिए, एजुकेशन तो एक ऐसी हमारे पास कह लीजिए कि पूंजी है कि हम कहीं भी चले जाए, एक तो कोई हमसे ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। एजुकेशन तो मस्ट है, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो हम लोग अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते। एजुकेशन नहीं होगी तो हम किसी भी सिटीज में चले जाएं तो हमें पता ही नहीं चलेगा जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। बट ये बात है कि ये बोलना कि खेल में लेके आना है बच्चों को तो नशे से हटें,
मैं समझता हूँ कि जो बेस है बच्चों का, जब वो उनकी जो बचपन से स्टार्टिंग होती है, उसको स्टार्टिंग में ही जैसे एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसके पैरेलल उनको खेल भी मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि अब उनका कोई बच्चा जो है वो 15-16 ईयर का हो गया तो उसके बाद हम लोग सोचें कि हाँ अब इसको खेल में लगाएं, ऐसा नहीं। वो जो बेस है उनका, जहां से उन्होंने स्टार्टिंग से पैरेलल ही चलाना पड़ेगा, एजुकेशन भी साथ में और साथ में खेल, दोनों चीजें। और जब वो दोनों में जाएगा बच्चा, एजुकेशन में भी और जो है अपनी उसमें खेल में भी जाएगा, तो बाद में उसको ये समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें कि बेटा जहाँ बच्चे तूने नशे की तरफ नहीं जाना। ऑटोमेटिकली उसको पता होगा कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, ये बुरी, और इस जो एटमोसफेयर में पला हूं मैंने इसी डायरेक्शन में जाना है। अच्छा। ये चीज है जी। लेकिन नशे को हटाने के लिए आप जैसे लोगों का क्या मेन कदम ऐसा है जिससे नशा एकदम जड़ से खत्म हो जाए यूथ के लिए? देखिए, नशे को हटाने के लिए सख्त कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग सोचें, वो अलग बात है कि आज गवर्नमेंट किसकी है किसकी नहीं है, पहली बात तो ये है कि कोई भी पॉलिटिशियंस हो, चाहे उसमें मैं हूं चाहे कोई भी हो, सबसे पहले तो अपना जो है बेनिफिट साइड पे रख के ये देखना पड़ेगा कि समाज को कैसे हम लोग सही डायरेक्शन पे लेके आ सकते हैं, या जो नशे में जो लिप्त है उनको कैसे सही डायरेक्शन में लेके आ सकते हैं। पहली बात यह है कि नशा जो है, नशा आता कहां से है, कौन लेके आता है, फिर जिस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, किसने ये जो चीजें रोकनी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं तो सीधी बात करता हूं कि देखिए, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं जो चाहते हैं कि नशा ना हो जी। बट कुछ गलत भी हैं जो इस चीज को प्रमोट करते हैं। मैं तो कहता हूं कि जो भी जिस भी कंस्टिट्यूएंसी में या जिस भी एरिया में ये जो नशा जिसके कारण लोग मर रहे हैं, जिसके कारण बच्चे जो मर रहे हैं, वो जिस भी ऑफिसर की ड्यूटी है वहां पर उस कंस्टिट्यूएंसी में, उस एरिया में या उस सब डिवीजन को जिसने मैनेज करना है, जिसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, या जिसने ये देखना है कि ऐसे जो नशे वाली चीजें ना आए, अगर कोई उस एरिया में वो करता हुआ पकड़ा गया तो जितना वो नशा करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, उतनी ही उस ऑफिसर को भी मिलनी चाहिए जिसके एरिया में वो जो काम हो रहा है। लेकिन आपकी बात बीच में रुकती है, जैसे माना एक आत्म व्यक्ति इस बात को रोकने की कोशिश करता है, दूसरे स्टेप तक पहुंच जाता है, माना उसके बाद दूसरा व्यक्ति भी जुड़ जाता है, तीसरे स्टेप तक पहुंचते पहुंचते इसको कई सदियां लग जाती हैं, कई महीने लग जाते हैं, वो बात उठती नहीं और दब जाती है, तो फिर उस समय तो वो पहला व्यक्ति तो चला गया, उसको फिर उखाड़ने के लिए क्या चीज ऐसी, क्या मजबूत चीज होनी चाहिए जहाँ वो पहुंच सके वो चीज? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे जिस भी एरिए में या जिस भी स्टेट में या जिस भी कंस्टिट्यूंसी में या जिस मोहल्ले में जो चीज हो, इसमें तीन लोगों को पैरेलल काम करना पड़ेगा। अच्छा। एक जो सरकार है कोई भी हो जी, उसको काम करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे जो परिवार जिसका बच्चा या जिसके घर का कोई मेंबर उसमें लिप्त है वो। तीसरे नंबर पे समाज, वो जो जिस सोसाइटी उसके आसपास में रहती है। ये तीनों पैरेलल काम करें। अच्छा। तो फिर इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। अगर ये देखें कि जो नशा करने वाला है वो उसका परिवार सहयोग ना करे, वो बोले नहीं नहीं हमारा तो लड़का ठीक है, समाज वाले सहयोग करें, अगर परिवार नहीं करेगा तो नहीं खत्म हो पाएगा। अगर ये दोनों करेंगे, सरकार नहीं करेगी तो नहीं खत्म हो पाएगा। ये तीनों को पैरेलल, और इसके लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। खत्म हो सकता है, बट ये जैसे कुछ मैंने पहले भी बोला कि कुछ पॉलिटिकली जैसे बेनिफिट लेने के लिए बोल देते हैं, हम लोग 4 हफ्ते में ऐसा कर देंगे, हम लोग 10 हफ्ते में ऐसा कर देंगे, ये चीज कहने की बजाय जो है करनी में लानी चाहिए। क्योंकि जो 10 साल से कर रहा है उसको हटाने के लिए जो है वो पॉलिसीज होनी चाहिए, उसके लिए कुछ ऐसा एटमोसफेयर माहौल ऐसा होना चाहिए, और दूसरा जो नए हैं वो उस डायरेक्शन में ना जाए, उसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल।
और जो सबसे जरूरी है आज की डेट में, नहीं तो आने वाले टाइम में ये जो है हम बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उसको निकालने के लिए जैसे पहले भी एजुकेशन मस्ट है, खेल मस्ट है, जब लड़का 18 साल से ऊपर हो जाता है तो उसके लिए काम जरूरी है। अब अगर किसी स्टेट में, किसी गांव में या किसी मोहल्ले में 10% लोग काम पे जा रहे हैं, 90% जो लोग हैं वो फ्री बैठे हैं, वो किधर जाएंगे? तो ये काम किसने देना है? ये गवर्नमेंट ने देना है, कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंटर की गवर्नमेंट हो, स्टेट की गवर्नमेंट हो, ये पॉलिसीज गवर्नमेंट ने ही बनानी है। बाकी कंट्रीज भी हैं, हम लोग अपनी कंट्री को बुरा नहीं कहते, हमारी अच्छी कंट्री, हमारा जो स्टेट है बड़ा अच्छा है, बट दूसरी कंट्रीज में हमारे लोग क्यों भाग रहे हैं? नई जनरेशन हमारी क्यों जा रही है? वो क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं उनकी पॉलिसीज वो अच्छी है। हमें भी जो है, ये नहीं कि कुछ हो नहीं सकता, हमें किंतु परंतु एक दूसरे की लेग पुलिंग, एक जो कोई बंदा काम कर रहा है उसको बीच में रोकना, वो चीज छोड़ के हम अच्छी डायरेक्शन में कैसे बढ़े उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। पॉसिबल सब कुछ है, सब कुछ हो सकता है। मान लीजिए आपको आगे वाले समय में शुभकामनाएं, आपको दोबारा चुना जाता है और आप सफल भी हो जाते हैं, तो आप आगे और क्या डेवलपमेंट चाहते हैं? देखिए जैसे जो मेन है ना, मेन जो है, मेन सबसे जरूरी है कि जैसे मैंने पहले बताया कि जब स्टार्टिंग से जो है बच्चा जब इस संसार में आता है तो उस टाइम से लेके उसके बुढ़ापे तक का जो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है, वो गवर्नमेंट ने देखना है उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है। अब अगर हम लोग ये देखें कि पहले वो बच्चा या उसकी फैमिली इस बात के लिए जूझे कि हमने एजुकेशन लेनी है, उसमें परेशानी आए, फिर हमें उसमें दिक्कत है कि हमने इसको काम कैसे दिलवाएं, फिर उसमें दिक्कत है कि अब जो बीमार हो गया इसका इलाज कैसे करवाएं, जे उस फैमिली का या जो जो इस दुनिया में बच्चा आ रहा है उसका फॉल्ट नहीं है, ये पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनानी है। उसकी एजुकेशन कैसे बेटर हो गवर्नमेंट ने देखना है, उसको पता है कि 18 ईयर के बाद या 20 ईयर के बाद उसको जॉब चाहिए, तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनानी है। ये सारी जो पॉलिसीज हैं ये गवर्नमेंट ने ही तय करना है। उसके लिए ये किंतु परंतु छोड़ के, ये जो फालतू की बातें छोड़ के उस डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए। और जो भी अच्छे लोग हैं उनसे जो है वो सुझाव लेने चाहिए, फिर ही हम लोग जो है वो आने वाले टाइम में समाज को अच्छी जो है वो सेध दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो बड़ा मुश्किल हालात है। जी बिल्कुल, बहुत अलग है, लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे लगता है कि ये बात सही कही कि जड़ एक मजबूत होनी चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। आगे अभी फिलहाल हाल ही में एक सर्टिफिकेट के द्वारा आपको नवाजा गया था, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने ये सर्टिफिकेट किस लिए? वो तो कोविड के दौरान जब ये महामारी अचानक पूरे वर्ल्ड में आई, आप लोगों को पता है लाखों लोग हमें छोड़ के चले गए, बहुत सारे जो है लोगों ने संघर्ष करा जिंदगी और मौत में, तो उस टाइम में था थोड़ा कि क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो हमें था कि भाई चलो जो नीडी जरूरतमंद हैं तो उनके लिए हम लोग कुछ करें। तो हमने, मेरे फ्रेंड्स ने, हमने मिलके जो था जो कर सकते थे कोविड के दौरान वो हमने उसमें वर्क करा था। उसमें मेडिकल की जो है मेडिसिन हमने मेडिसिन प्रोवाइड करवाई थी, राशन वगैरह प्रोवाइड करवाया था। तो उसको देखने के बाद जैसे आजकल सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक पे देख के, तो उन्होंने जो मेरे को सर्टिफिकेट भेजा था, तो मुझे पता नहीं था, तो वो उन्होंने वॉच करा होगा तो उन्होंने भेजा था बस उसी लिए। बट हमें कोई, हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे, बट चलो ठीक है दे दिया तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो आपकी राजनीति है ये आपके बैकग्राउंड से ही आपके इसमें है या आप कुछ आप और अलग करना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम तो कभी सोचते भी नहीं थे कि पॉलिटिक्स में आए। चलो मेरे ग्रैंडफादर गांव के सरपंच थे, बट मैंने नहीं कभी सोचा था कि हम लोग इसमें आए। वैसे भी हमें जो है खासकर जैसे मैं तो दूर ही रहता था इससे, तो बाद में कुछ हालात ऐसे बने तो हम लोग पॉलिटिक्स में आ गए। तो उसके बाद इलेक्शंस हुई तो हम लोग जीते भी,
फिर उसके बाद पहले एक जिला परिषद का हुआ, वो भी जीते। बट कोशिश यही रही कि अगर इसमें आए हैं, देखिए राजनीति से बढ़िया सेवा कोई और हो नहीं सकती, बट अगर कोई बंदा इसको सेवा समझ के करे। बट आज की डेट में मेरी बातें किसी को अच्छी भी नहीं लगेंगी, जो लोग तो इसको सेवा समझ के कर रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया है। जिन्होंने जो प्रोफेशन बना लिया है, जिन्होंने उसको बिजनेस बना लिया है कि इससे हमने पैसा कमाना है, इससे पैसा चाहे वो इलीगल वे से ही कमाएं, वो जो कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि ये जो है ये पैसा कमाने का सोर्स नहीं है, ये है कि भगवान ने अगर किसी को कोई पावर दी है या कोई बंदा गवर्नमेंट में गया है तो वो ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट में चले गया तो उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। उसकी खत्म नहीं हुई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो गई। उसको फिर वही जो बातें आपने मेरे साथ डिस्कस करी, फिर उसकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो गई कि एजुकेशन लेवल कैसे अच्छा हो, उसके बाद जो है ये खेल के लिए बच्चों को कैसे इनकरेज करा जाए, किसानी का धंधा है उसको लाहेवंद कैसे बनाया जाए। बड़े थाउजेंड्स वर्क होते हैं, को रोड जो है बनानी है, जहाँ कोई किसी के छोटे छोटे काम, देखिए छोटे छोटे काम होते हैं, किसी की पेंशन है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं। तो मुझे ये जब बंदा राजनीति में अगर वो किसी गवर्नमेंट में है तो उसको इनमें ध्यान देना चाहिए। बट ये चीज नहीं है कि कोई बंदा अगर उसमें आ गया तो हम लोग किसी और को कुछ समझे ना, या ये देखें कि इससे पैसा कमाए, पैसा कमा के फिर हम लोग आगे कैसे आना है, फिर पैसा उस पर खर्च करें, फिर हम लोग उसमें आ गए, ये उसके लिए नहीं है राजनीति। बाकी ये है कि भगवान जानते हैं, सारा कुछ यही हिसाब हो जाता है। यहाँ पर आपने एक बात छेड़ी थी भगवान, तो आप अपने इस समाज सेवा के साथ साथ अपने इस थोड़ा सा जो अपनी पूजा होती है या आध्यात्मिक की जो लाइन है, जहाँ तक हमने सुना कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी जाते हैं और अपने थोड़ा बहुत टाइम देते हैं राजयोग मेडिटेशन के लिए भी, उसको फिर कैसे बैलेंस बनाते जाते हैं? देखिए ये है कि 24 आवर्स होते हैं दिन में, वो 24 आवर्स में चाहे तो वो 24 आवर्स सो के निकाल लें, चाहे वो 24 आवर्स निंदा चुगली में निकाल दें, चाहे उसको मैनेज करके कुछ वक्त जो है वो अपने ये जो फील्ड है पॉलिटिक्स का उसको दे दें, कुछ फैमिली को दे दें, कुछ बिजनेस को दे दें, जहाँ जिनकी वजह से हम लोग इस दुनिया में आए हैं, जो उनको, क्योंकि ये बात तो स्पष्ट है कि भगवान के बिना कुछ नहीं है। अगर हम लोग ये जो संत मत है उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो हमारा इस दुनिया में आने का समझ लीजिए लक्ष्य कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई भी रीज़न है, कोई भी बंदा किस कहीं भी जुड़ा हुआ है, मेन मकसद यही है कि उस मालिक को याद करना, और जिस पर्पज़ के लिए उसने हमें भेजा है वो हमारा, जिस पर्पज़ के लिए उसने हमें भेजा है हम वो उसकी छत्रछाया में रहकर वो ऐसा जीवन व्यतीत करें। तो मुझे ये है कि चलो हम इधर पॉलिटिक्स में तो जाते हैं, बट ये है कि मेरे को कभी समय मिलता है, जैसे हम लोग सत्संग में जाते हैं, जैसे उसके बाद ब्रह्म कुमारी आश्रम में दीदी के पास भी जाते हैं, उनके मैसेज भी आते हैं, तो बड़ा मन को शांति मिलती है। जैसे ये काम तो ख़त्म होने नहीं है, बट जो ये अध्यात्म की तरफ संत मत की तरफ जो टाइम बिताया होगा, मैं समझता हूँ कि वही हमारे साथ जाने वाला है। तो उसी में हमें होता कि चलो जितना भी टाइम हमें मिले, जितना भी हम लोग निकाल पाएँ हम लोग जाएँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक जो सबसे बड़ी बात है कि जब जाते हैं तो मन को इतनी शांति मिलती है, जैसे आप 1 घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए या 2 घंटे के लिए जैसे टेंशन फ्री हो जाते हो, कि जैसे कोई टेंशन ही रहती है, क्योंकि नेचुरली है जब हम लोग जाते हैं तो जैसा माहौल है तो वो माहौल जो है उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। अब डेली जैसे मैसेज आते हैं तो हम लोग उसको पढ़ते हैं, तो उसमें मैसेज में भी कोई ना कोई, देखिए जैसे 2 तरह की फिल्म्स होती हैं, एक फिल्म का मोटिव होता है पैसा कमाना, दूसरी होती है कि समाज को कुछ सीख मिले, 2 तरह की बनाई जाती हैं। ऐसे जैसे मैसेज आते हैं, मैसेज तो बहुत हैं, ग्रुप्स आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, 1000 ग्रुप बने हुए हैं, बट जैसे जिनके मैसेज आते हैं वो मैसेज में कुछ ना कुछ संदेश होता है, तो जैसे वो चीज़ अगर उसमें
उसको कोई भी बंदा किसी एक मैसेज को भी अपनी लाइफ में वो ले आए, तो मैं समझता हूँ कि उसको वो चेंज कर ले तो उसको अलग जो है वो डायरेक्शन मिल जाएगी। तो अंत में आपसे सिर्फ एक मैसेज चाहती हूँ कि आप समाज सेवक हैं, तो हमारी जनता को या हमारे यूथ को या हमारी जो महिलाएं हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आध्यात्मिकता के बारे में या समाज सेवा के बारे में, एक कोई मैसेज आपकी तरफ से जाना चाहिए। ओके, देखिए पहले तो ये है कि हम लोग जो भी दुनिया में आए हैं वो उस परमपिता परमात्मा के दिशा निर्देश से ही दुनिया में आए हैं, तो जितनी आयु लिखी है, जितने श्वास लिखे हैं, उतने हमने वो जहां पर कंप्लीट करने के बाद जहां से चले जाना है, वो जो उतना टाइम पीरियड है, किसी को 10 साल के लिए मिला है, किसी को 50 साल के लिए, किसी को 70 साल के लिए, किसी को 100 साल के लिए, ये तो वो परमात्मा ही जानता है। बट उसमें ये चीज है, वो परमात्मा ने हमारी ड्यूटी भी ड्यूटीज भी बांट रखी है, किसी को धार्मिक सेवा दी हुई है, किसी को सियासी सेवा दी हुई है, किसी को सरकारे द्वारे सेवा दी हुई है। अब जे उन्होंने सेवा दे दी, उन्हीं के थ्रू सारा कुछ चलता है, बट अब उस सेवा को ईमानदारी से करना है जहां हमने ईमानदारी से नहीं करना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी हमें परमात्मा ने सेवा दी है, किसी भी फील्ड में दी है, हम उसको ईमानदारी दयानदारी से निभाएं, बाकी कैलकुलेशंस में हम लोग ना पढ़ें। अच्छा होगा बुरा होगा ये भगवान पे छोड़ दें। और ये बात है कि अगर हम लोग वो परमात्मा के कहने के अनुसार या जो जिस पर्पस के लिए उन्हें हमें भेजा है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो मैं समझता हूँ वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा एम है, वो हमें अपने आप ही मिल जाएगा। मैं तो सभी को यही प्रार्थना करता हूँ, विनती भी करता हूँ कि देखिए आज जिस लाइन में मैं हूँ उस लाइन में कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि पॉलिटिक्स में है, ये लाइन कैसी है, ये मैंने भी ये जो विचार हैं वो संत मत वाले कर रहे हैं, लाइन कोई और चीज चूज की हुई है, सोशल मीडिया में ऐसा कुछ है, चलता रहता है। बट मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ आज की डेट में कि हमें जैसे इस समाज में आज की डेट में हमें जैसे जो ये फास्ट जो लाइफ है, लाइफस्टाइल जो फास्ट हमारा चल रहा है, उसमें हमने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो हमारे घर की तरफ है वो भी निभानी है, जो समाज की तरफ है जो वो भी निभानी है, और सबसे बड़ा कि जो हमें जो परम पिता परमेश्वर ने भेजा है, वो जो परमात्मा ने जो हमें जिस काम के लिए भेजा है उससे हमें पीछे नहीं होना चाहिए, और उस सेवा को हमने ईमानदारी और ध्यानदारी से निभाना है। यही मेरा बहुत अच्छा आज आपने एक चीज ये की कर्म करता जा, कर्म की इच्छा मत रख, जो फल हमें मिलेगा वो परमात्मा अपने आप देने वाला है। आपका बहुत अच्छा एक मैसेज गया और ईमानदारी से अपने कार्य को करते जाना है। आप हमारे इस बात ऑफ सक्सेस मतलब सफलता की कहानी में के कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मित्रों आज हमें सीखने को मिला कि ईमानदारी से किया हुआ कार्य कभी असफल नहीं है। मेरे जीवन की सफलता की कहानी में इसी तरह से आप आते रहिए और जीवन को सफल बनाते रहिए। अगली कड़ी में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, ओम शांति।